हेलो दोस्तों, हाजरा लैके फिल्म गोलक बुगनी बटुआ ते बैंक दा रिव्यू। गल शुरू करते हैं फिल्म दी कहानी तो। फिक्र ना करो, मैं तुहानू फिल्म दी पूरी कहानी बिल्कुल नहीं दसन लगा, उन्नी दसूँगा जिन्नी पहला ही ट्रेलर ते प्रमोशन विच दसी जा चुकी है। फिल्म विच चमन बजाजी यानी जसविंदर भल्ला दे बेटे नीटे दा किरदार निभाया हरीश वर्मा ने। अनिजे हलवाई यानी बी एन शर्मा दी बेटी मिश्री बनी है सिमी चाहल। अमरिंदर गिल ने निभाया भोले जे पेंडू भोले का किरदार। तो अदिति शर्मा बनी है पिंड की सुहाणी छिंदी। वेखण नूं कहानी बिल्कुल सधारण है। नीटे नूं मिश्री नाल प्यार हो जाता है, जिस खिलाफ दोवां दे मापे रावण का पहरा ला के बैठ जाते हैं। मौका देख के मिश्री अपने बाप का नोटा का भरिया बैग लैके नीटे नाल रफू चक्कर हो जाती है। बदकिस्मती नाल 8 नवंबर 2016 की रात है। कुछ देर पहला दोवें लखपति होंदे हन, पर प्रधानमंत्री ज्यों ही नोटबंदी का ऐलान करते हैं लखां रुपए मिट्टी हो जाते हैं। अजिही हालत में उन्हां दा प्यार किवें परवान चढ़दा है, वह लखां रुपए के नोट किवें बदलवाउंदे हन, एक कहानी की मुख्य गुंजल है। दूजे पासे सिद्धरा जिहा भोला भी छिंदी बारे कुछ सुपने वेख लैंदा है, पर नोटबंदी का फैसला उसके सुपने तोड़ दिंदा है। की भोला अपना सुपना हासिल करता है? दोवें कहानियां अलग अलग समयां विच चलदियां हन। एक कहानी पंजाब दे एक कस्बे च वापरदी है, जबकि दूजी कहानी 40 साल पहला एक पिंड विच वापरदी है। दोवां दी तंद एक दूजे नाल किवें जुड़दी है, इस वास्ते तुहानू फिल्म अंत तक देखनी पवेगी। बहुत लंबे अरसे बाद धीरज रतन विचों धीरज रतन वाला फिल्म लेखक निकल के बाहर आया है। शायद पहली बार पंजाबी सिनेमा विच कंटेंपरेरी सोशल इशू उत्ते फिल्म दी कहानी कड़ी गई है। धीरज रतन ने बहुत ही खूबसूरती नाल नोटबंदी के मुद्दे नूं कहानी विच परोया है। उन्होंने दिखाया कि किवें देश विच दो बार हुई नोटबंदी ने आम लोगों की जिंदगी और रिश्तों उत्ते असर किया, किवें दो प्यार करन वाले जोड़े नोटबंदी की मार विच आके अलग अलग हो जाते हैं, तो आखिर किहड़ा रस्ता निकलता है जिस राही वो मिलते हैं। समस्या धीरज रतन के स्क्रीन प्ले विच है। फिल्म की दमदार शुरुआत और किरदारां दी जान पछाण तो बाद दर्शक नूं सिर्फ कॉमेडी पसंद है, इस डर करके एक तो बाद एक बेलोड़े कॉमेडी सीन ठूसे गए हैं। ये कॉमेडी सीन किते किते हसाउंदे भी हैं, पर कहानी की रफ्तार घट कर देंदे हैं। पहले हिस्से विच दर्शकों नूं सोचण लई मजबूर कर देने वाली कोई समस्या खड़ी नहीं हुंदी। हाले कोई गल बनती हुई नज़र नहीं आती कि अचानक इंटरवल आ जाता है। दूजे हिस्से विच भी काफ़ी लटकाउण तो बाद मुख समस्या पैदा हुंदी है, जिसनों चमत्कारी ढंग नाल एक किरदार आके सुलझा दिंदा है। बावजूद इसके अंत विच कहानी दाज के खिलाफ एक जोरदार सुनेहा देने विच सफल हुंदी है। यह सुनेहा भी दिता गया है कि दाज के खिलाफ आवाज़ चुकन लई लाड़ियां नूं पहल करनी चाहीदी है। तोतलेपन वर्गी मामूली समस्या करके रिश्ते ठुकराउण दी सोच उत्ते भी फिल्म चोट करदी है। आओ हुण गल करदे हां डायरैक्शन दी। शितिन चौधरी दी फिल्मकारी विच उसदी वक्री छाप नज़र आउंदी है। 40 साल पुरानी कहानी नूं उन्हां डार्क शेड विच दिखाया है, जबकि 2016 दी कहानी ब्राइट रंगां नाल चमकदी हुई नज़र आउंदी है। सारे ही मुख्य किरदार उन्हां ने बड़ी ही बारीकी नाल परदे ते उतारे हन, जो बिल्कुल आम जिंदगी दे किरदार लगदे हन। पुराने दौर दे पिंड अते नवें दौर दे शहर दे दृश्यां नूं उन्हां बड़ी खूबसूरती नाल परोया है। दर्शकों नूं आसानी नाल पता लग जावे कि कहानी कदों 40 साल पिछे चली जाती है, कदों 2016 विच वापस आ जाती है। इस गल दा उन्हां पूरा ध्यान रख्या है, पर कमज़ोर स्क्रीन प्ले उन्हां दी पूरी मेहनत ते पानी फेर दिंदा है। आओ हुण गल करदे हां एक्टिंग दी। हरीश वर्मा अपने किरदार विच पूरी तरह उतरे हुए नज़र आउंदे हन, पर किते किते उन्हां विच एनर्जी दी घाट रड़कती है। सिमी चाल भी अपने किरदार नूं बाखूबी निभा गई है। भोले के किरदार विच अपने भोलेपन नाल दिल जितते हैं अमरिंदर गिल, भावें वह बहुत सहजता नाल भोले का किरदार निभाते हैं, पर एक्सप्रैशन के मामले विच हाले भी मेहनत की लोड़ नज़र आती है। जसविंदर भल्ला, बी एन शर्मा, अनीता देवगन सब अपनी अपनी रूटीन अदाकारी नाल मौजूद हैं। अनीता का बेटा बनिया मुनियारी वाला मुंडा छाप छड़दा है। छिंदी दे रूप विच अदिति शर्मा दे एक्सप्रैशन बिल्कुल नैचुरल लगते हैं। उन्हां नूं भविख विच होर भी चंगे किरदारां विच देखण दी उम्मीद की जा सकती है। गीत संगीत दे मामले विच भोलापन गीत रूटीन फिल्मी गीतां नालों वक्खरा है, जो नोटबंदी तो दुखी लोगों के मन की गल करता है, पर ओवरऑल फिल्म का संगीत बस ठीक ठाक है, जिस विच चेते रखे जाण वाला कुछ भी नहीं। ज़्यादातर गीत ढुकवीं थावें आउंदे हन ते चले जाते हैं। फिल्म की एडिटिंग होर भी बेहतर हो सकती सी, जिस नाल रफ्तार तेज़ की जा सकती सी। बैकग्राउंड स्कोर, आर्ट डायरेक्शन, रियलिस्टिक लोकेशन फिल्म नूं असल जिंदगी वर्गा
ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।